जिले के कोसी तटबंध के भीतर कुंदा गांव जाकर डीएम कौशल कुमार ने बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया। साथ ही डीएम कुमार ने अधिकारी पदाधिकारी को तटबंध पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोसी के अंदर जितने भी पंचायत हैं, सभी जगह के प्रतिनिधि आम लोगों को गाइड किया है कि जब पानी यहां आएगा तो 1 से 1.5 फीट ऊंचा लेवल की संभावना है। उन्होंने कहा कि जहां भी डूबने की आशंका रहेगा वहां रह रहे लोगों को ऊंचे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के डिमांड के मुताबिक 114 नाव सरकारी व गैर सरकारी नाव चल रहे हैं ताकि बांध के भीतर रह रहे लोगों को सुविधा मिल सके। साथ ही SDRF की टीम भी पूरी तरीके से एक्टिव है। कोसी का बराज है बीरपुर में, वहाँ से कल रात को करीब मैक्सिमम डिस्चार्ज 3 लाख बैरेज क्यूसेक हुआ। उसके अलावा आलोक में हम लोगों ने जितने भी तटबंध के अंदर पंचायतें हैं सभी जगह के जनप्रतिनिधिगण और आम लोगों को अलर्ट किए थे कि पानी जब यहाँ आएगा तो करीब 1 फीट 1.5 फीट वाटर लेवल ऊँचा होने की संभावना है। तो जहाँ भी डूबने की ये है कि अभी ज़्यादा पानी चढ़ने की आशंका रहेगी जिन पे, तो वहाँ पे लोगों को अलर्ट किया गया है कि अभी वो ऊँचे स्थानों पर चले जाएँ। और सुबह से हमारी टीम सभी चारों अंचलाधिकारी जो तटबंध क्षेत्र के हैं लगी हुई है लोगों को अलर्ट करने के लिए। अभी हम लोगों को डिमांड पे करीब 114 निजी और सरकारी नाव मिला के चला रहे हैं ताकि लोगों को आवागमन सुविधा हो और इवैक्यूएशन की स्थिति हो तो हम लोग तुरंत इवैक्यूएट कर पाए। हमारी SDRF की टीम भी नौहट्टा में एक्टिव है, वो लगाई हुई है, वो किसी भी क्षण वो उनकी जरूरत पड़ेगी तो अपना तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी हम लोग कुंदा पंचायत में मेरे द्वारा भ्रमण किया गया तो वहाँ भी जो कटाव की स्थिति थी वो कटाव तो हो रहा था लेकिन इसमें स्थिति को कहा गया कि और इसमें कटाव निरोधी कार्य करने के लिए। और जो कोसी एम्बैंकमेंट का जो 78.3 किलोमीटर का जो पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है, वहाँ पर भी स्टेबल है स्थिति। वहाँ भी हमारे जल संसाधन विभाग के सारे इंजीनियर अलर्ट हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तटबंधों पर जो प्रत्येक किलोमीटर में होमगार्ड लगाया गया तो वो भी अपने ड्यूटी के लिए प्रति सचेत थे। इस प्रकार सभी लोग तैयार हैं और निष्क्रमण की स्थिति में हम लोग का सभी 12 आश्रय स्थल भी और जहाँ पर लोगों को रखा जाएगा वो भी तैयार है। तो सारी मुकम्मल व्यवस्था की हुई है। अगर तटबंध से लोग निकलते हैं और आश्रय स्थल में आते हैं तो हम लोग उसके लिए उनके लिए प्रॉपर तैयारी के लिए तैयार हैं।